खेतड़ी क्षेत्र में ठगी का फेल रहा है मायाजाल, लोटरी वाली वीडियो पर न करें विश्वास। सावधान सावधान, मोबाइल पर आ रहे हैं लुभावने मैसेज से सावधान। जिस तरह दुनिया मोबाइल में सिमट कर रुपयों का लेन देन भी मोबाइलों से हो रहा है, लेकिन यही लेन देन अब लोगों के लिए मुसीबत भी बनता जा रहा है। अब इन्हीं मोबाइलों से दूर बैठकर एक दूसरे से ठगी भी की जा रही है। लॉटरी निकलाने के लिए लुभावने मैसेज भेजकर लोगों को लूटा जा रहा है। खेतड़ी में इन दिनों मोबाइल पर लगातार 25 लाख रुपए लॉटरी निकलने के मैसेज आ रहे हैं। सब्जी मंडी स्थित सब्जी विक्रेता श्याम कुमार व अनिल गुप्ता के मोबाइल पर भी 25 लाख रुपए निकलने के मैसेज आए। जब वापस फ़ोन किया तो नंबरों पर कोई फोन नहीं लग रहा था, स्विच ऑफ बता रहा था। जब अन्य दुकानदारों ने भी पूछा तो उन्होंने बताया कि यह मोबाइल पिछले 3 महीने से आ रहे हैं, जो एकदम फ्रॉड और ठगी है, इससे बचना चाहिए। वही सब्जी विक्रेता ने इसकी सूचना पुलिस को भी दी। नंबर जो पाकिस्तान है वन से व्हाट्सएप पर मैसेज आ रही हो आजकल, जिसे सावधान रही हो, कदा क्लिक मना करती हो भाई। दो महीना से मेरे कटी पे आ रहे हैं हर दूसरे तीसरे दिन। के मैसेज में आओ व्हाट्सएप के 25 लाख रुपया को सारे नाम निकले नंबर आप संपर्क करो। महीनों में 4 से 5 बार आ गया जिसमें लिखा गया था कि आपकी 25 लाख रुपए की लॉटरी निकली है, कृपया आप लिंक शेयर करें। और मैं मायन मार्केट में बैठता हूँ, मेरे मंडी के कई व्यापारी भाई हैं जी मैसेज आ रहे हैं, तो मैंने तो सबको उनको जागरूक कर दिया। टिब्बा के श्याम मंदिर के दान पत्र का ताला तोड़कर रुपये हुए चोरी। मेहड़ा थाना कस्बे के टिब्बा गांव के श्याम मंदिर के दान पत्र का ताला तोड़कर अज्ञात चोर चोरी कर रुपया निकाल ले गए। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार टिब्बा निवासी नरेश कुमार गुर्जर ने रिपोर्ट दी कि देर रात्रि को अज्ञात चोर ने गांव के श्याम मंदिर के मुख्य गेट का ताला तोड़कर अंदर रखे दान पत्र का भी ताला तोड़कर उसमें रखे रुपये निकाल ले गए। रिपोर्ट में बताया कि करीब 4 साल का चढ़ावा दान पत्र में रखा हुआ था। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ दान पात्र से चोरी करने का मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी। पिछले रात्रि के इसमें अज्ञात चोर आए और रात्रि के दौरान उन्होंने मेन गेट का ताला तोड़ करके, जो गल्ला है उसका ताला, तो दान पात्र का ताला तोड़ करके, जो लगभग 4 साल से बंद था दान पात्र, उसका सारा नकदी चुरा के ले गए। टिब्बा के श्याम मंदिर के दान पत्र का ताला तोड़कर रुपये हुए चोरी। मेहड़ा थाना कस्बे के टिब्बा गांव के श्याम मंदिर के दान पत्र का ताला। ककराए में लंपी रोग से पीड़ित गाय का किया उपचार। खेतड़ी उपखंड के ककराए में लंपी रोग के पशु आने लगे हैं, जिसके बाद युवाओं ने एक टोली बनाकर लंपी रोग से पीड़ित गोवंशों की सेवा में लग गए। देवदत्त जांगीट ने बताया कि ककराए गांव में देर रात्रि को एक सूचना मिली कि लंपी रोग से गाय तड़प रही है, जिस पर डॉक्टर मान सिंह दूधवा को मौके पर बुलाया और उपचार किया गया। सहयोग करने वाले में पूर्व सैनिक अंजनी जांगीट, सूरज मीणा, गोलू भवानी, संजय आदेश, रवि रमेश, जितेंद्र चिक्कू मीणा मौजूद रहे। निवेदन कर रहा हूँ कि पंचायत मांदरी पंचायत में जितनी भी गायें हैं उनके थोड़ा ध्यान दीजिए, सरकार दे या न दे उसे कोई मतलब नहीं है। गांव के युवा बच्चे हैं जो अभी 2-3 दिन से गाय का इलाज चल रहा है बढ़िया तरीके से। तहसील के ककराए ग्राम में लंपी वायरस से पीड़ित एक गौ माता को पिछले 3 दिनों से ककराए गांव के युवा शक्ति ने इसके स्वास्थ्य को स्वस्थ होने के लिए भरसक प्रयास किया और आज उसका रिजल्ट आपके सामने है कि ये गाय आज अपने खुद से चर रही है। तो मैं पूरे समस्त राजस्थान प्रदेश को ये बताना चाहूँगा कि आजकल गायों में लंपी वायरस बुरी तरह से फैल रहा है, तो गौ माता की रक्षा के लिए जो भी कदम उठाया जाए उठाएं और इसके लिए काम करें। खेतड़ी में हुई बरसात से मौसम हुआ सुहाना, गर्मी से मिली निजात। खेतड़ी कस्बे में बुधवार को बरसात हुई जिससे लोगों को गर्मी से निजात मिली। कस्बे के व्यापारी सुधीर गुप्ता ने बताया कि पिछले 1 महीने से बरसात नहीं हुई जिससे इन दिनों गर्मी से लोग बेहाल थे, लेकिन आज बरसात होने से लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी तो मौसम भी सुहाना हो गया। साथ ही बरसात किसानों के लिए भी फायदेमंद तो कहीं नुकसानदायक भी है। बाजरा मूंग की लावणी कर रहे हैं तो उसमें कुछ नुकसान हो सकता है, लेकिन अगर यह बरसात तेज होती तो आने वाली सरसों और चने की फसल को भी फायदा होगा। गर्मी के बाद, काफ़ी तेज गर्मी के बाद अब एक बार दोबारा एक बारिश का मौसम चालू हुआ है। आज देखिए आप फुहारे हो रही हैं, मौसम ठंडा हो रहा है, यह हमारे लिए तो अच्छी बात है व्यापारियों के लिए। इसके अलावा किसान भाइयों के लिए भी अगर वो बुआई करना चाहें तो ये अमृत की तरह ही काम करेगी बारिश, और वो बुआई कर सकते हैं। किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए, सबके लिए अच्छा उल्लास का वातावरण। बरसात होने से खेतड़ी की सड़कों पर पानी भर गया, वही नाले के रूप में सड़कों पर पानी बहा।
स्कूलों में बच्चों के मानसिक विकास की नई पहल। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गाटराटा में दो गांधी फेलो बच्चों में मानसिक विकास की नई पहल में जुटे हुए हैं। गांधी फेलो शुभम नांदरे व आशीष मलिक ने बताया कि गाटराटा स्कूल में बच्चों के मानसिक विकास के लिए नई पहल शुरू की गई। इसमें गाड़ी, स्कूल, मोटरसाइकिल के पुराने टायरों से नए संरचना, जिसमें कैलकुलेटर, कैटरपिलर, हाथी, मोटरसाइकिल की संरचनाएँ बच्चों से तैयार करवाई जा रही है। इस कार्य का मुख्य उद्देश्य छोटे बच्चों में मानसिक विकास करना है। इस संबंध में विद्यालय के निरीक्षण पर आए सीबीओ जितेंद्र सुरुले ने भी गांधी फेलो की इस पहल की प्रशंसा करते हुए कहा कि ऐसी गतिविधियां अन्य विद्यालयों में भी आयोजित करवाई जाएगी। गांधी फेलोशिप के दो कार्यकर्ता शुभम जी और आशीष मलिक यहां कार्यालय में उपस्थित हुए। उन्होंने एक नया इनिशिएटिव किया है, क्रिएटिविटी स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं उनमें क्रिएटिविटी लाने और बेस्ट यूटिलाइजेशन, मिनिमम जो रिसोर्स का बेस्ट यूटिलाइजेशन करने का एक तरीका बताया कि किस प्रकार छोटी छोटी चीज़ों से हम बहुत कुछ बना सकते हैं। तो उसके तहत उन्होंने देखा कि जो बताया कि जो छोटी छोटी चीज़ें बेस्ट पड़ी रहती हैं उनको कलेक्ट करके, और जब हम कोई नया काम करते हैं तो उसमें जो समुदाय के लोग हैं वो भी बहुत बड़ा सपोर्ट करते हैं, उसके तहत हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। नानूवाली बावड़ी की आंगनबाड़ी केंद्र पर राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत हुआ कार्यक्रम। खेतड़ी उपखंड के नानूवाली बावड़ी स्थित आंगनबाड़ी केंद्र पर राष्ट्रीय मिशन के अंतर्गत सितंबर माह में पोषण माह के रूप में मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि CDPO संजय जतानी रहे। वही कार्यक्रम की अध्यक्षता सरपंच रमेश सिन्हा ने की। इस अवसर पर CDPO चेतानी ने मोटे अनाजों के महत्व पर चर्चा करते हुए बताया कि ज्वार, बाजरा, रागी जैसे अनाज गेहूं और चावल की तुलना में सस्ते होने के साथ उच्च प्रोटीन, फाइबर, विटामिन व आयरन भी होते हैं। मोटे अनाजों से कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे महत्वपूर्ण तत्व भी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इस दौरान गर्भवती धात्री माताओं को समग्र पोषण स्तर के सुधार पर अपना ध्यान केंद्रित करने के निर्देश दिए। राष्ट्रीय पोषण मिशन के अंतर्गत सितंबर माह को सरकार के द्वारा पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। खेतड़ी ब्लॉक के आंगनवाड़ी केंद्रों पर इस संबंध में आज मोटे अनाजों के संबंध में जागरूकता के विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए, रेसिपी की प्रतियोगिताएँ आयोजित की गई। मुख्य कार्यक्रम नानूवाली बावड़ी आंगनवाड़ी केंद्र पर किया गया। इसके अंतर्गत सरपंच रमेश सैनी भी शामिल हुए और मोटे अनाजों की विभिन्न रेसिपी का प्रदर्शन किया गया। इसके अतिरिक्त CDPO संजय चेतानी ने मोटे अनाजों के महत्व पर प्रकाश डाला। शक्ति दिवस के उपलक्ष्य में सरपंच एवं CDPO के द्वारा नन्हे मुन्ने बच्चों को आयरन फोलिक एसिड की सिरप पिलाई।